हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत कर रहा हूँ आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो फ्रेंड्स, अपना टॉपिक चल रहा था रेड साइंस केमिस्ट्री, जिसमें अपन ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन के ऑक्साइड जो होते हैं उनके बारे में पिछला एक वीडियो अपन ने तैयार किया था, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अब उसी ऑक्सीजन व ऑक्सीजन ऑक्साइड से बनने वाले जो मुख्य क्वेश्चन है उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो चालू करने से पहले इतना ही कहूँगा कि अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पुराने स्टूडेंट्स हैं तो वह लाइक जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, लाइक दबा दीजिए। अब देखिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, यानी धातु जो वेल्डिंग होती है उनमें गैसों के किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो इस बात क्या है ये कि ये जो क्वेश्चन है वह कहाँ पूछा गया है, आरटेट 2011 जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ऑप्शन देखिए इसके, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तथा मीथेन, और ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स अपन, मुख्य रूप से इसमें काम में ली जाती है कौन सी गैस का मिश्रण, ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होती है वह काम में ली जाती है, और इन दोनों के निर्माण से जो ज्वाला बनती है फ्रेंड्स, एक ज्वाला का निर्माण होता है, उस ज्वाला को क्या कहते हैं अपन, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के नाम से जानते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनसे जो ज्वाला बनती है उसका नाम क्या होता है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का निर्माण होता है। तो धातु वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जिसे ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन गैस नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था या कौन है, लेवोसियर, केवेंडिस, रदरफोर्ड और मैक्सवेल। तो फ्रेंड्स, जब अपन ने वीडियो देखा था तो मैंने बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको बताया था कि ऑक्सीजन नाम प्रदान करने वाला जो वैज्ञानिक था वह कौन था, लेवोसियर था, यानी जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऑक्सीजन जल में विलय है या जल के साथ इसके क्या गुण है, अति विलय, अविलय, सामान्य विलय या अल्प विलय। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना ऑक्सीजन जो होती है, मैंने पहले भी बताया था ऑक्सीजन क्या होती है, जल में अल्प विलय होती है, अल्प विलय अपन इसे मानते हैं जल में, वो भी वो टेम्परेचर देने पर। लेकिन अगर अल्प विलय ऑप्शन में न होना फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन क्या होती है, हमेशा अविलय अपन इसे मानते हैं। अगर अल्प विलय ऑप्शन में नहीं होता तो अपना अविलय सही होता, लेकिन अल्प विलय यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है इसलिए अपन इसे क्या मानेंगे, चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में कई बार अपन क्या सोचते हैं फ्रेंड्स कि H2O है, यानी कि जल है, जल में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, तो ये तो जल में क्या होनी चाहिए, विलय होनी चाहिए। लेकिन सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन कभी भी जल में विलय नहीं होती है, उसे उचित टेम्परेचर देकर ही विलय किया जा सकता है, इसलिए उचित टेम्परेचर देकर भी यह अल्प विलय हो सकती है, इसलिए इसका आंसर अल्प विलय होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस निम्नलिखित में से किसके तापीय अपघटन से बनाई जाती है, किसके तापीय अपघटन से बनाई जाती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए इसके ऑप्शन, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम सल्फेट। तो इन चारों की अगर अपने बात करें फ्रेंड्स, इन चारों की अगर यहाँ पर अपने बात करते हैं, तो इन चारों में से अपन देखेंगे तो फ्रेंड्स, इसके अपने चार ऑप्शन देखिए, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरेट और पोटेशियम सल्फेट। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है फ्रेंड्स अपने पोटेशियम है जो क्लोराइड, वह ऑप्शन क्या होगा अपने इसके अंदर सही होगा। पोटेशियम जो क्लोराइड होता है उसके सूत्र की बात करें तो KClO3O इसका सूत्र होता है। तो ऑक्सीजन गैस से
निम्नलिखित में से पोटेशियम क्लोराइड के तापीय अपघटन से बनाई जाती है, इसमें 907 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 907 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, फिर ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस अज्वलनशील, ज्वलनशील, जल निम्न सहायक, 1 व 3 दोनों सही। तो यहाँ पर अपन देखेंगे फ्रेंड्स, जो ऑक्सीजन गैस होती है वह जलने में सहायक भी होती है और साथ में अज्वलनशील भी होती है। ज्वलनशील नहीं कह सकते इसे, ये अज्वलनशील होती है लेकिन जलने में सहायक होती है, इसलिए फर्स्ट और थर्ड दोनों सही होंगे यहाँ पर और चौथा ऑप्शन अपना सही माना जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, फिर ऐसा कौन सा तत्व है जिसके साथ ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है, तो ऑप्शन हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इनमें से अगर अपन बात करेंगे तो फ्रेंड्स वह कौन सा है, क्लोरीन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो अपना सही होगा। क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन स्वयं क्या हो जाती है, ऑक्सीकृत हो जाती है, क्योंकि इसमें अपन देखेंगे कि जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है और इसमें OF2 का निर्माण होता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए अपने, ऑक्सीजन की धातुओं से अभिक्रिया करने पर बने ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो फ्रेंड्स जब अपन ने धात्विक ऑक्साइड पढ़े थे तो मैंने बताया था कि ऑक्सीजन धातु के साथ क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं और ये जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं हमेशा किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। फॉर एग्जांपल MgO कह सकते हैं, Na2O है या Na2O2 है, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी कार्य करता है फ्रेंड्स, जो धात्विक ऑक्साइड है Al2O3, ये धात्विक ऑक्साइड तो है लेकिन इसे अपन क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से इसे जानते हैं, ये अपवाद भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये कौन सी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं धात्विक ऑक्साइड, ये अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है, ऑप्शन ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस, दूसरा ऑप्शन द्रव ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस, थर्ड द्रव ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस और चौथा दे रखा हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस। तो इन चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स अगर अपन देखते हैं तो द्रव ऑक्सीजन तथा द्रव जो हाइड्रोजन होती है, द्रव ऑक्सीजन तथा द्रव हाइड्रोजन वह क्या होती है, रॉकेट में ईंधन के रूप में काम में ली जाती है, यानी अपना जो सेकंड ऑप्शन होगा वह इसमें क्या है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ईंधन के रूप में रॉकेट के ईंधन में कौन सी गैस काम में ली जाती है, तो अगर दोनों ऑप्शन ना हो तो दोनों में से अगर एक एक ऑप्शन भी दिया हुआ हो तो उसे अपन सही कर सकते हैं, तो द्रव ऑक्सीजन तथा द्रव हाइड्रोजन। आगे देखिए, औषधि व मरहम बनाने के लिए किस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड जिंक ऑक्साइड और फोर्थ देर का एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो औषधि व मरहम निर्माण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह अपन देखेंगे फ्रेंड्स, इनमें से जो जिंक ऑक्साइड है थर्ड, उसका उपयोग अपन यहाँ पर करते हैं फ्रेंड्स, इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है जिंक ऑक्साइड, ये जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए उत्प्रेरक होता है, तो फ्रेंड्स जब अपन ने पिछला वीडियो देखा था तो वहां पर एक सूत्र अगर याद आ रहा हो तो सूत्र था V2O5। तो अब ऑप्शन देख लीजिए, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड और प्लेटिनम तथा Fe। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए जो उत्प्रेरक था वह था V2O5, जिसे अपन क्या कहते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के नाम से जानते हैं, यानी जो सेकंड ऑप्शन है वह इसमें क्या होगा, सही होगा, ये मुख्य रूप से अपन इसमें मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे अपने मुख्य क्वेश्चन जो ऑक्सीजन से बनने वाले थे एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट। अब ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ, वह ज़रूर ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसकी उपस्थिति के बारे में ही अपन चर्चा करते हैं कि ऑक्सीजन पृथ्वी के अनेक पदार्थों में रहती है,
जैसे पानी और वास्तव में अन्य तत्वों की तुलना में इसकी मात्रा सबसे क्या होती है, अधिक होती है। ऑक्सीजन वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से मिलता भी है और आयतन के अनुसार अगर अपन देखें तो उसका लगभग 500 भाग भी है। यौगिक रूप में पानी, खनिज, चट्टानों का यह मुख्य अंश भी होता है। वनस्पति तथा प्राणियों के प्राय सभी शारीरिक पदार्थों का ऑक्सीजन एक आवश्यक तत्व होता है और वायुमंडल में इसकी मात्रा लगभग कितनी होती है, 20.95, जिसे अपन 21% भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन जो है वह अपन मानने के भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में लगभग 46.6% या 47% भी कह सकते हैं में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो इससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं फ्रेंड्स कि वायुमंडल में इसकी मात्रा 20.95 या 21% कह सकते हैं और भूपरपटी पर 46.6% या 47%। तो ये दो जरूर याद रखिए। फिर आगे अपन देखेंगे कि इसके जो उपयोग होते हैं, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो उपयोग में जीवित प्राणियों के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक होती है। मनुष्य में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में ऑक्सीजन सहायक होती है। इसमें श्वसन द्वारा वह ग्रहण करते हैं। द्रव ऑक्सीजन तथा कार्बन, पेट्रोलियम इत्यादि का मिश्रण अति विस्फोटक होता है, इसलिए इनका उपयोग कड़ी वस्तुओं जैसे चट्टान आदि को तोड़ने में भी किया जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। लोहे की मोटी चादर को काटने या मशीन के टूटे भागों को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन तथा दहनशील गैस को ब्लो पाइप में जलाया जाता है और इस प्रकार उत्पन्न ज्वाला का ताप बहुत अधिक माना जाता है। साधारण ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन या एसिटिलीन जलाई जाती है। इसके लिए गैसे इस्पात के बेलन में अति संपीड़ित अवस्था में बिकती है। ऑक्सीजन जो होती है वह ऑक्सीजन सिरका, वार्निश आदि बनाने, असाध्य रोगियों के लिए सांस लेने के लिए भी उपयोगी होती है। इसका उपयोग अधिकतर श्वसन व अनेक क्रियाविधियों में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त होती है। कार्बनिक यौगिकों के दहन से इसके साथ जल भी निर्मुक्त होता है। तो ये भी इससे संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कार्बनिक यौगिकों के दहन के साथ जल निर्मुक्त हो रहा है। जैसे श्वसन की अभिक्रिया अपन देख रहे हैं, C6H12 है, O6+6 है, O2 ऑक्सीश्वसन की अभिक्रिया है। तो इसमें 6CO2 के साथ में जल जो हो रहा है वह विमुक्त हो रहा है। ऐसे ही CH4+2O2 CO2 निर्माण और साथ में जल क्या हो रहा है, विमुक्त हो रहा है। तो जल को विमुक्त करने में भी ऑक्सीजन सहायक मानी गई है। आगे देखिए फिर इसकी पहचान कैसे की जाती है। ऑक्सीजन की जो पहचान होती है कि दहकते हुए तिनका जो होता है उसको प्रज्वलित होने से ऑक्सीजन की पहचान होती है। नाइट्रस ऑक्साइड से इसको भिन्नता नाइट्रिक ऑक्साइड के उपयोग से जानी जा सकती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह क्यूप्रस क्लोराइड, क्षारीय पाइरोगेलोल के घोल, तांबा तथा इसी प्रकार की दूसरी उपयुक्त वस्तुओं द्वारा शोषित कराने से ज्ञात की जा सकती है। तो दहकते हुए तिनके के प्रज्वलित होने से ऑक्सीजन की पहचान अपने मान सकते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन क्या होती है, जलाने में सहायक होती है। तो फ्रेंड्स ये थे अपने ऑक्सीजन से बनने वाले मुख्य क्वेश्चन और कुछ याद रखने लायक बातें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने को शेयर करना है और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद में अगले गैसेज के ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।